स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपका अपना यूट्यूब चैनल ITI गाइडलाइन में। मैं हूं रामव्यास यादव। जैसा कि दोस्तों देख सकते हैं एक यहां पे 11 तारीख का नोटिस आया हुआ है, 11/1/2023। तो कल ही नोटिस प्राप्त हुआ है। तो इस नोटिस के माध्यम से मैं बताना चाह रहा हूं कि जो नोटिस हमारा है परीक्षा नियंत्रण से आया है, ठीक है। जितने भी विद्यार्थी फेल थे ड्राइंग में और प्रैक्टिकल में उनके लिए नोटिस है, ठीक है। तो ये नोटिस जो है सरकारी ITI के लिए और प्राइवेट ITI दोनों के लिए है। क्या है? सरकारी ITI और प्राइवेट ITI दोनों के लिए है। तो नोटिस बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आप इसको ध्यान से देखिएगा, जिससे कि जो विद्यार्थी फेल हैं उनका एग्ज़ाम छूट न जाए और फिर से उनको फिर दिखते या ना आए। तो आप लोग वीडियो को ध्यान से सुनिएगा, देखिएगा, और चैनल पर अगर पहली बार विजिट किए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि सारा नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप उसका लाभ ले सकें। आइए दोस्तों नोटिस पे ध्यान देते हैं। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कि आगामी विषय में आगामी अखिल भारतीय व्यावसायिक शिल्प सेमेस्टर एनुअल डबल सिस्टम पूरक फरवरी 2023 के परीक्षा शुल्क के संबंध में, यानी कि जो विद्यार्थी सेमेस्टर के थे, एनुअल के थे, डबल सिस्टम के थे, तो उनका परीक्षा जो होगा तो उनके शुल्क के बारे में बताया गया है, ठीक है। तो ये सारा चीज़ यहाँ पे दिया हुआ है। आपका एग्ज़ाम जो है 6 तारीख से लेकर के 11 तारीख तक के बीच आपका इंजीनियरिंग ड्राइंग का एग्ज़ाम चलेगा ऑफलाइन पूरक। बहुत सारे विद्यार्थी का मन में डाउट था कि ऑनलाइन होगा कि ऑफलाइन, तो देखिए यहाँ पर दिया हुआ ऑफलाइन क्लियर दिया हुआ कि ऑफलाइन आपका एग्ज़ाम होगा यहाँ पर दिया हुआ है। अब आइए मेन मेन चीज़ों को मैं आपको बताता हूँ। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग परीक्षा शुल्क जो दीजिएगा वो आपको कितना लगेगा, 125 रुपया करके, ठीक है। 125 रुपया करके गवर्नमेंट ITI में भी और प्राइवेट ITI में भी, ठीक है। 125 रुपये करके आपको जमा करना होगा कॉलेज में फॉर्म अप्लाई करने के लिए, ठीक है। ये परीक्षा शुल्क हमारा हुआ, जो आप परीक्षा शुल्क देंगे वो ये परीक्षा आपका ऑफलाइन जो एग्ज़ाम होगा उनके लिए, इससे ज़्यादा एक भी पैसा आपको नहीं देना है। अब आइए आप लोग को जो पैसा जमा करना है ये कब तक जमा करना है सो देखिए। आपको जो ये परीक्षा पैसा जो जमा करना है 25 तारीख तक जमा करना है, लेकिन आपको 25 तारीख से पहले कम से कम 3 दिन पहले, कम से कम 3 से 4 दिन पहले तक आप लोग, यानी 20 तारीख तक कम से कम आप लोग अपने अपने इंस्टीट्यूट में कॉलेज में जा करके संपर्क कर लें और वहाँ के जो स्टाफ हैं उनसे बात कर लें और फी अपना जमा कर करके फॉर्म अप्लाई कर दें, जिससे कि आपको परीक्षा में कहीं किसी प्रकार कोई त्रुटि कहीं कोई दिक्कत नहीं आए। इसलिए कि 25 तारीख तक कॉलेज को भेज देना है कार्यालय में, ठीक है। तो जब आप ही 25 तारीख को जाइएगा तो कॉलेज वाला को दिक्कत आएगी, यानी आपका नहीं हो पाएगा, तो फिर से आपको परीक्षा से बाधित हो जाएंगे, यानी नहीं दे पाएंगे। तो आप लोग ध्यान दीजिए 20 तारीख के पहले आप लोग कॉलेज में अपने अपने इंस्टीट्यूट में जा करके संपर्क करें और एग्ज़ाम के भागीदार पात्र बने आप, ठीक है। बाकी सारा ये सब आप लोग के लिए कोई दिक्कत नहीं है, बाकी आपके एग्ज़ाम जैसे चलता था वैसा एग्ज़ाम चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। मेन आपका है डेट, तो मैं बता दिया कि इस डेट के पहले 20 तक आपको जाके क्लियर कर लीजिए यहाँ, और बाकी फिर फी जो आपका लगेगा ये लगेगा क्लियर कर देना है। यही नोटिस आप लोग को देना था। बाकी दोस्तों फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों, बाय बाय।